फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम एक न्यू आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक इंटरनेट कंपनी है जिसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड। ये बेसिकली ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी कंपनी है जो कि 4 जून 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब इस कंपनी ने जिस तरीके से आपका 2019 में अपना 18,000% का प्रॉफिट मेंटेन करके रखा, वो एक अलग लेवल का है, क्योंकि इनके कंपटीशन में जो भी कंपनियां जैसे makemytrip.com, cleartrip.com या यात्रा ऑनलाइन, वो अभी कितने लॉसेज में चल रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना के वजह से कितने आपका होटल और ट्रैवल एजेंसी कंपनियों को बहुत झटका लगा हुआ है। वो लॉसेज में चल रही हैं, अपने आप को रिकवर कर रही हैं, पर इन्होंने कितने अकेली सिंगल कंपनी है जिन्होंने अपना प्रॉफिट मेंटेन करके रखा है, क्योंकि इन्होंने अपना अदर सोर्स ऑफ इनकम भी बना के रखा हुआ है अदर देन द ट्रैवल एजेंसी कंपनी। अब इस कंपनी के बारे में कितने हम जानते हैं, ये अपने ब्रांड एक अलग ब्रांड नेम के हिसाब से चलती है, कौन सा है, easymytrip.com। यहाँ से आप डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हैं अपने टिकट का। अब इस कंपनी और इसके बिजनेस के बारे में समझते हैं। बेसिकली ये सेकेंड ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूम। अगर पहली माने तो वो कौन सी है, makemytrip.com, तीसरी क्या है, cleartrip.com, और चौथी कौन सी है आपकी, यात्रा ऑनलाइन। ये बेसिकली यहाँ पे आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। अब ये कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं इसके बारे में जानते हैं। ये आपका फ्लाइट टिकट बुकिंग करती है, आपका ट्रेन टिकट बुकिंग प्रोवाइड करती है, आपका होटल बुकिंग प्रोवाइड करती है, या कितने आपको हॉलीडे पैकेज प्रोवाइड करती है, या बस टिकट आपको बुक करना उससे भी कर सकते हैं, ये कैब सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ये सारे सेगमेंट में ये काम करती है। बेसिकली ये अभी के समय में ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी इन द ट्रैवल एजेंसी है, क्योंकि इन्होंने कहते हैं हर ट्रैवल एजेंसी को पीछे छोड़ दिया है प्रॉफिट के मामले में, और वो प्रॉफिट में कोरोना के टाइम भी इन्होंने प्रॉफिट मेंटेन करके रखा हुआ है। अब इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली ये कंपनी जब 2008 में चालू हुई थी, ये B2B2C चालू हुई थी। इसका मतलब क्या है, ये अगर बिजनेस टू कस्टमर चालू हुई थी, मीन्स ये अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस को देती थी, मीन्स ट्रैवल एजेंट को देती थी। वो ट्रैवल एजेंट कितने कस्टमर से बिजनेस लेके आते थे, मतलब कस्टमर से कितने उनको बुकिंग करवाते थे। फिर 2011 में इन्होंने अपना मॉडल को और मॉडिफाई किया, ये B2C चले गए, मीन्स सीधे कस्टमर इनके वेबसाइट पे विजिट करके ट्रैवल टिकट बुक कर सकते हैं। फिर 2013 में इन्होंने और इम्प्रूव किया, ये B2E चले गए, मीन्स क्या हुआ, बिजनेस टू इंटरप्राइजेज। अब इसमें क्या हुआ, इस डायरेक्टली कॉर्पोरेट के साथ लिंक अप हो गए, वो कॉर्पोरेट को ये बिजनेस प्रोवाइड करने लगे, उनकी टिकट बुकिंग से लेकर हर चीज़ ये अवेलेबल करवाने लगे। अब बेसिकली ये अपना प्रॉफिटेबल मार्जिन को मेंटेन करके चल रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट मार्केट में कितना रहना चाहिए, ये चीज़ इन्होंने इस लेवल रखे रखी। इस हिसाब से अपना मार्केटिंग और जो मार्केटिंग कॉस्ट था और जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट था उसको भी इन्होंने मेंटेन करके रखा है। बेसिकली ये जो सर्विसेज अपना प्रोवाइड करते हैं वो वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, और इनके पास दो एंड्रॉयड ऐप भी हैं, iOS पे भी जो चलता है, एंड्रॉयड पे भी चलता है, तो ये टोटली हर चीज़ मेंटेन करके चलते हैं। अगर इनका नेटवर्क के बारे में जाने तो इनके पास 59,240 ट्रैवल एजेंट हैं, वो इनके नेटवर्क में टोटल जुड़े हुए हैं, उन्हीं से उनका टोटल मैक्सिमम बिजनेस आता है, क्योंकि इन्होंने जो फ्लाइट टिकट बुकिंग है उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, 93-94% इनका रेवेन्यू यहाँ से आता है। अब इनके इनकॉर्पोरेशन के बारे में जान लें, ये कब बने थे, ये 4 जून 2008 में ये स्टेबलाइज किया गया था दिल्ली में ये कंपनी। अब इनके प्रमोटर एंड शेयर होल्डर के बारे में जान लें, पहले कौन है, मिस्टर निशांत पिट्टी, जिनके पास 49.1% का शेयर है। दूसरे कौन है, हमारे निशांत पिट्टी, उनके पास 49.61% का शेयर है। तीसरे हमारे हैं प्रशांत पिट्टी, इनके पास 0.51% का शेयर है, मतलब ये टोटली रिलेटिव और फैमिली मेंबर अभी टोटल 100% शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं। अब हम जान लेते हैं प्री इशू एंड पोस्ट इशू के बाद कितने मार्केट शेयर कितना होगा। प्रमोटर के पास अभी 100%, पब्लिक के पास 0 है। पोस्ट इशू में मतलब आईपीओ आने के बाद इनके पास 74.190% का शेयर रहेगा, और पब्लिक के पास 25.10% का शेयर आ जाएगा। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं, इनके रेवेन्यू, इनके प्रॉफिट, इनके प्रॉफिट मार्जिन, इनके डेप्थ कितने हैं, इनके इक्विटी शेयर में कितना लेन देन है, ये टोटल चीज़ हम इनके फाइनेंशियल में जानेंगे। अब हम इनके फाइनेंशियल मार्केट में देख लें तो इनका टोटल रेवेन्यू ग्रोथ देख लेते हैं कि फाइनेंशियल 2018 से 2021 तक इन्होंने कितना मेंटेन करके रखा है। अगर हम इनके 2018 के आपका नेट प्रॉफिट रेवेन्यू जान लें कितना इन्होंने मेंटेन करके रखा है, तो 113 करोड़ थे 2018 में, वो बढ़ के आपको 151 करोड़ रुपए हो गए, 133% का ग्रोथ। फिर वो कितने 179 करोड़ रुपए हो गए, अभी कोरोना की वजह से वो घट गए हैं, 81 करोड़ रुपए हो गए हैं, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है।
अगर क्योंकि इन्होंने अपना अदर सोर्स ऑफ इनकम मेंटेन करके रखा है, और भी कंपनी का कंपेयर करें makemytrip.com यात्रा ऑनलाइन, उनका कितने अभी जो नेट रेवेन्यू है वो नेगेटिव में चल रहा है, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट मार्केट से नहीं मेंटेन करके चल रहे हैं अभी कोरोना की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं अभी कोरोना की वजह से कि तो होटल और होटल इंडस्ट्री नीचे चल रही है और ट्रैवल एजेंसी नीचे चल रही है। अब इनके कितने अदर एक्सपेंसेस जान लेते हैं, ये बेसिकली पहले 85 करोड़ का था, फिर उन्होंने अभी इस 9 मंथ में फाइनेंशियल 2020 में वो 23 करोड़ कर लिया। क्यों हुआ वो अदर एक्सपेंसेस क्यों थे, क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल 2018 में बहुत से कितने एडवांस दे कर रखे हुए थे, और इन्होंने जैसे मूवी प्रोड्यूसर या कितने कोई ब्रांड को कितने अपने पैसे देकर रखे हुए थे, वो पैसे वापस नहीं आए थे, और कुछ इनका हाई डेब्ट था जो कि रिटर्न ऑफ में चला गया था। फिर फाइनेंशियल ईयर 2019 में इन्होंने कितने कैसे कितने 85 को कितने हैं ये एडवांस रिटर्न ऑफ को 29 करोड़ जो था वो 2 करोड़ कैसे कर लिया इन्होंने, क्योंकि वो जो पुराने जो उन्होंने क्लेम किए थे वो पैसे वापस आ गए, उन्होंने प्रॉपर्टी सेल की, और जो उन्होंने ब्रांड के लिए कितने जो हाई डेप्ट दिया हाई डेप्ट लिया था और रिटर्न ऑफ हुए थे वो पैसे भी वापस आ गए। तो इस तरीके से कितने इन्होंने अपना 29 करोड़ रिटर्न ऑफ को आपको 2.9 करोड़ कर लिया। अब इनके इक्विटी शेयर के हिसाब से जाने इनका नेटवर्क कितना है, तो अभी 132 करोड़ चल रहा है, उस हिसाब से इनका डेप्ट जाने मतलब इन्होंने कितना कर्जा अभी इन पर चल रहा है, अभी इन पर 70 करोड़ का चल रहा है, और इनका प्रॉफिट मार्जिन जाने और कितने इन्होंने नेट प्रॉफिट कितना किया वो जाने, तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर कितने 2018 में इनका प्रॉफिट था 3 लाख का, पर इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2019 में वो 3 लाख को बढ़ा के 24 करोड़ कर लिया, मतलब कि 80,000% ग्रोथ इन्होंने प्रोवाइड की मार्केट से निकाली। अब उनका अभी जो 9 मंथ में इन्होंने जो प्रॉफिट पाया है वो 30 करोड़ का पाया है, कोरोना के वजह से डाउन हो गया है, पर इन्होंने अपना अदर एक्सपेंसेस मेंटेन करके रखा हुआ, अदर इनकम मेंटेन करके रखी हुई है, इसलिए कोई इनको अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, और भी इंडस्ट्री कितने प्रॉफिट में नेगेटिव चल रही है। अब इनके पास डेप्ट 17 है और इक्विटी शेयर अभी जो नेट वर्थ है वो 132 करोड़ है, मतलब कि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब इस कंपनी के कितने हैं आपके वैल्यूएशन के बारे में जान ले, बेसिकली इनके वैल्यूएशन के बारे में हम देखेंगे तो ये अच्छा वैल्यूएशन प्रोवाइड कर रही है। इनका पहला प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लेते हैं और या प्राइस टू बुक वैल्यू देख लेते हैं, दोनों कंपेयर करेंगे। पहला प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 29 था, वो फाइनेंशियल 2020 में वो कितना हो गया 15, मतलब ये 15% मांग रहे हैं अपने पे करने के लिए। अगर प्राइस टू अर्निंग वैल्यू देखें तो इनका कितने फाइनेंशियल 2020 में 61 था, फाइनेंशियल 2020 में ये 49 हो गया। क्यों वो इतना अधिक क्यों है, क्योंकि ये कितने हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है, ऑनलाइन इंडस्ट्री है, इसलिए इनका कितने हाई प्रीमियम मांग रहे हैं। अब इस इंडस्ट्री के हिसाब से और भी इंडस्ट्री का देखें, जैसे कि makemytrip.com या क्लियर ऑनलाइन यात्रा.com, ये लोग तो अभी थोड़ा सा नेगेटिव में चल रहे हैं, इनका नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चल रहा है। अब इस कंपनी का इंडस्ट्री एनालिसिस कर लेते हैं, इस इंडस्ट्री ने कितना ग्रोथ CAGR कितना ग्रोथ मेंटेन करके रखा हुआ है, और नेक्स्ट 5 ईयर में इन्होंने कितना ग्रोथ प्रोवाइड करेगी ये कंपनी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये कंपनी ने पिछले 5 साल मतलब 2016 से लेकर 2018 तक इन्होंने 9.5 से 10.5% का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न प्रोवाइड किया है। अभी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोरोना की वजह से आपके होटल और ट्रैवल एजेंसी अभी नीचे चल रही है, तो 2% का ग्रोथ यहाँ पर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इनका परसेंटेज ऑफ शेयरिंग ट्रैवल एंड टिकटिंग में इनका शेयर देखें तो अभी कितने ये 48 से 50% इनका कहते एयर टिकटिंग में चल रहा है, होटल बुकिंग में इनका कहते 32% चल रहा है, रेल टिकट बुकिंग में इनका 90% चल रहा है, पर 5 साल में ये कितने अपना एयर टिकटिंग 50% कर लेंगे, होटल बुकिंग अपना 26% कर लेंगे, रेल टिकट अपना 23% कर लेंगे, मतलब ये अपना प्रॉफिट मेंटेन करके चलेंगे। अगर इनका ऑनलाइन टिकट बुकिंग एंड ऑफलाइन टिकट बुकिंग के हिसाब से इनका परसेंटेज देख लें ये कितना ग्रोथ कर पाएंगे आगे मार्केट में, तो वो भी कितने बहुत अच्छे इनको मेंटेन करके चल रहे हैं। इनके हिसाब से कितने हैं इनका ऑनलाइन टिकट बुकिंग में भी अच्छा शेयर है, अगर उस शेयर को भी कितने हम कंपेयर करें तो इन्होंने अभी जो इनके मार्केट चल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग में वो 56% चल रहा है, और ऑफलाइन में इनका चल रहा है 42%, पर अगले 5 साल में ये 68% ऑनलाइन से बुकिंग करेंगे और ऑफलाइन आपका 32% ही रह जाएगा, क्योंकि इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन चल रहा है। अगर इनका CAGR किस तरीके से इनका टिकट बुकिंग हो रहा है ऑनलाइन से उनका देखें तो वो 15 से 17% बढ़ा है, पर ड्यू टू कोरोना अभी ये 5 साल के 2% का ही CAGR अब मेंटेन करके चलेंगे मार्केट में। अब इनके कंपटीटर एनालिसिस कर लेते हैं, इनके कंपटीशन कौन कौन से है, इनका कंपटीशन क्लियर ट्रिप प्राइवेट लिमिटेड से है, इनका कंपटीशन makemytrip.com से है, यात्रा ऑनलाइन से है।
अगर इनका ग्रोस बुकिंग बाय रेवेन्यू के हिसाब से कंपेयर करें तो मेक माई ट्रिप ऊपर चल रहा है, सेकेंड नंबर पे यात्रा ऑनलाइन चल रही है, तीसरे नंबर पे इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड आ रही है। अब हम इनके हिसाब से ग्रोस बुकिंग के हिसाब से देख लें तो इनका CGR कितना चल रहा है, इनका 47% चल रहा है सबसे अधिक, और मेक माई ट्रिप का 27 ही चल रहा है, यात्रा ऑनलाइन का माइनस चल रहा है। अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें फाइनेंशियल 2020 में जो कोरोना की वजह से, तो कहते हैं मेक माई ट्रिप का माइनस में चल रहा है, आपका यात्रा ऑनलाइन का भी माइनस में चल रहा है, पर ये अपना 10.24% मतलब पॉजिटिव में मेंटेन करके चल रहे हैं। इनका अदर एक्सपेंसेस में कहते हैं इनको जैसे मेक माई ट्रिप अपना 2.75% अदर एक्सपेंसेस में कर रही है, जैसे एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में खर्च कर रही है, पर ये अभी 0.85 मतलब बहुत नीचे मेंटेन करके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना एडवर्टाइजमेंट अभी भी कहते हैं आपका जो या ट्रैवल एजेंट है उनके थ्रू कर रहे हैं, ये अधिक पैसा मार्केटिंग में खर्च नहीं कर रहे हैं। अब इसे शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या है? वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, सेकंड इन द टर्म्स ऑफ बुकिंग वैल्यू, थर्ड इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और दूसरा क्या है, वन ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रैवल एजेंसी कंपनी। अभी ये प्रॉफिट में चल रही है कोरोना के टाइम में भी, क्योंकि एज cleartrip.com आप देख लें या ऑनलाइन यात्रा ऑनलाइन देख लें, ये अभी नेगेटिव में चल रही है अपने प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से। और बेसिकली ये टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंपनी है और इनका प्रोडक्ट बहुत डाइवर्सिफाइड है, B2B2C एंड B2C B2E, और ये अपना कहते हैं इनका जो मैनेजमेंट है वो हाईली क्वालिफाइड है, वो टोटल मैनेजमेंट अच्छा मेंटेन कर चल रहा है मार्केट को। अब इनका वीकनेस जान लें, इनका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू आप एयर टिकटिंग पे आता है, 93-94% रेवेन्यू, कुल 80% जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उनसे निकल रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है उनको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, अगर मार्केट में सेम टू सेम पैंडेमिक आ गया कोरोना की तरह, तो ये मार्केट में कैसे सस्टेन कर पाएंगे। इनकी अपॉर्चुनिटी जान लें तो ये कहते हैं आपका डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिंग बढ़ रहा है तो इनका फायदा उठा सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट का बहुत सी स्कीम है, वो जैसे आपको उड़ान स्कीम है कि टायर 2 टायर 3 सिटी में भी फ्लाइट सस्ते दाम में अवेलेबल हो रही हैं, गवर्नमेंट ने 100% FDI प्रोवाइड कर दिया होटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो इससे इनको फायदा मिल सकता है। अब ये कहते हैं बेसिकली अभी डिजिटल इंडिया का भी फायदा उठा सकते हैं, ये इंटरनेशनल एक्सपेंड कर सकते हैं अपने आप को। इनका थ्रेट क्या है? ये बेसिकली हाई कम्पटिटिव मार्केट है इन द ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, जिस तरीके से इन्हें cleartrip.com से कंपटीशन मिल रहा है, यात्रा ऑनलाइन से कंपटीशन मिल रहा है, और बेसिकली गवर्नमेंट की कहते हैं ये रेल टिकट बुकिंग की पॉलिसी है उसमें ये कवर करना चाहें तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दे, या होटल इंडस्ट्री में ये अपना एंट्री मारेंगे तो वहाँ पे यो-यो से इनका कंपटीशन है। अब इनके IPO डिटेल के बारे में जान लेते हैं, ये अपना IPO का इनका जो प्राइस जो आ रहा है 186-187 का, इनको इस प्राइस बैंड में आप बिडिंग कर सकते हैं। ये अपना इशू साइज जो ला रहे हैं, ये प्राइस कितना है आपको वो पे करना पड़ेगा, ये 510 करोड़ का अपना इशू साइज ला रहे हैं, जिसमें न्यू ऑफर पर सेल इन्होंने रखा है केवल 510 करोड़, मीन्स टोटल पैसा प्रमोटर अपना पैसा लेके निकल जाएंगे। अगर इनका कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन हो क्या हो जाएगा IPO आने के बाद, वो हो जाएगा 2031 करोड़ का। अब इसमें कितने लॉट आएंगे, एक लॉट में आपका इसमें 80 शेयर रहेगा, आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक लॉट के लिए वो आपको 14,980 रुपये करना पड़ेगा। अगर आप मैक्सिमम आप 13 लॉट बाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 1,94,450 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ये किस IPO किस डेट में ओपन होगा, वो आपको 8 मार्च 2021 को ओपन होगा और 10 मार्च 2021 को ये क्लोज हो जाएगा। ये आपका 16 मार्च को कहते हैं आपका अलॉटमेंट का पता चल जाएगा अलॉट हुआ कि नहीं, अगर आपको अलॉट हो गया होगा तब कोई दिक्कत नहीं, अगर अलॉट नहीं हुआ होगा तो आपको 17 मार्च को उसका रिफंड आ जाएगा, अगर आपको अलॉट हो जाएगा तो 18 मार्च को उसका कहते हैं जो आपके जो डीमैट अकाउंट में है वो शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, और 19 मार्च को ये आपको स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्ट हो जाएंगे जैसे NSE और BSE। तो इस IPO में आप जरूर इन्वेस्ट करें अपने पैसे, क्योंकि ये फ्यूचर में इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।